हाउ टू मेक ठंडाई खीर। ठंडाई खीर बनाने के लिए हम लेंगे 1.25 लीटर दूध, यहाँ फुल क्रीम मिल्क लेना है, 1/4 कप चावल, चावलों को मैंने पहले से ही 15-20 मिनट के लिए सोख करके रखा था, 1 कप चीनी, चीनी आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, 2 बड़े चम्मच पॉपी सीड्स, 2 बड़े चम्मच मेलन सीड्स और साथ में 8-10 काली मिर्च, इलायची का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 20 काजू और 20 बादाम ये साबुत ही लेना है और 1 बड़ा चम्मच घी। सबसे पहले हम कढ़ाई में सौंफ, मेलन सीड्स, काली मिर्च, काजू, बादाम और खसखस डाल लेंगे और इन्हें लो फ्लेम पर धीरे धीरे भून लेंगे। ध्यान रखिए इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर ही भूनना है ताकि इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। और जैसे जैसे हम इन चीज़ों को भूनेंगे इनका कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू इनमें आने लगेगी। अब इन सब चीज़ों का कलर चेंज हो गया है, ये भून चुकी हैं, अब बस इतना ही इन्हें भूनना है। तो अब हम इसमें दूध ऐड कर लेंगे। दूध डालने के बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से लो फ्लेम पर धीरे धीरे उबाल आने तक पकाएंगे ताकि काजू, बादाम और बाकी सब चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और दूध भी है वो रिड्यूस होकर कम हो जाए। अब दूध रिड्यूस होकर कम हो गया है और बाकी सब चीज़ें भी सॉफ्ट हो गई हैं, तो अब एक इन्हें ठंडा करके हम ग्राइंडर में निकाल लेंगे और इनका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए आप इसमें दूध भी डाल सकते हैं। अब इस पेस्ट को हम कढ़ाई में निकाल लेंगे। अब इस पेस्ट में हम दूध ऐड कर लेंगे। दूध हमें फुल क्रीम ही लेना है ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमें इसमें लम्स को ख़त्म कर देना है, वैसे भी जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे लम्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। दूध में जब उबाल आ जाए तब हम इसमें सोखे हुए चावल भी ऐड कर लेंगे और अब इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे और मीडियम फ्लेम पर 15-20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए अब पककर ठंडाई है वो और भी गाढ़ी हो गई है और चावल भी लगभग सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें चीनी और घी ऐड कर लेंगे। चीनी और घी डालने के बाद अब इन्हें भी अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। घी ऑप्शनल है, आप चाहें तो न डालें। सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक गई हैं और ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है, एकदम रबड़ी जैसी कंसिस्टेंसी हमें इसकी लानी है, तो अब हम इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं, इससे भी इसका कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं गैस को ऑफ कर दूँगी और इसे ठंडा होने दूँगी। ठंडा होने के बाद जो ठंडाई है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब ठंडी हो गई तो मैं इसे एक कटोरी में सर्व कर लूँगी और काजू बादाम से इसकी गार्निशिंग कर लूँगी। फ्रेंड्स, ठंडाई खीर की रेसिपी बहुत ही इजी है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।